नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, तेलुगु में एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है हनुमान, और उसका टीजर रिलीज किया गया है। प्रशांत वर्मा ने इसको डायरेक्ट किया है, और ये प्रशांत वर्मा का सिनेमेटिक यूनिवर्स है और सुपर हीरो वाली फिल्म है। और हमारे जो भगवान है श्री हनुमान जी बजरंग बली, उनके ऊपर ये बेस्ड फिल्म है। तो उनसे प्रेरित होकर के किस प्रकार से उन्होंने यूनिवर्स रचा है, एक सुपर हीरो की फिल्म बनाई है। और इसका टीजर आप देखोगे तो आप अचंभित रह जाओगे। ये एक पेन इंडिया रिलीज है, आपको बता दूं कि 15 से 20 करोड़ रुपए फिल्म का बजट है। और इसमें तेजा सजा है वो प्रमुख भूमिका में है, और क्या जबरदस्त तो उनकी एक्टिंग यहाँ पे नजर आ रही है। और जिस प्रकार से आप अगर इसका टीजर नहीं देखा तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये टीजर जरूर देखिएगा। जिस प्रकार से इसमें VFX का यूज किया गया वो इतना बेहतरीन है कि मेकर्स इसकी तुलना आदिपुरुष से कर रहे हैं, कि आदिपुरुष वालों ने, ओम राउत ने 500 करोड़ रुपए का बजट दिया फिल्म को, और इतने घटिया VFX का इस्तेमाल किया। और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे जो महान, जो पौराणिक, जो हमारे आइकॉनिक जो चरित्र है, भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, लंकेश, उनको किस प्रकार से दिखाया उन्होंने, कितने मतलब भद्दे तरीके से, कितने मतलब एक फूहड़पन से उनको दिखाया गया। कहीं से भी उनका लुक में वो दिव्यता नजर ही नहीं आ रही जो भगवान श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लुक में होती है। और यहाँ पे आप देखिए मतलब किस प्रकार से इस जो टीजर, छोटे से टीजर में हनुमान जी को दिखाया गया है, जिस प्रकार से हनुमान जी से प्रेरित रोल तेजा कर रहे हैं, और उनका जिस प्रकार से लुक आता है, जिस प्रकार से मतलब उनकी एक्टिंग नजर आती है, जिस प्रकार से इस टीजर में VFX का यूज किया गया है, तो सभी ये कह रहे हैं कि आदिपुरुष वाले जो ओम राउत है वो किस बात के 500 रुपये लगाए, 500 करोड़ रुपये उन्होंने लगाए हैं। इससे बजाय वो साउथ वाले से सीखते, 15-20 करोड़ रुपए में इतनी बेहतरीन मूवी उन्होंने बना करके दी है, इतना जबरदस्त VFX यहाँ पे नजर आ रहा है। और क्या भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिहाज से, हिसाब से गौरवानी गौरवान्वित करते हुए ये जो दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो भगवान बजरंग बली के हो या अन्य दृश्य हो, कितने माइंड ब्लोइंग लोकेशन, विजुअल्स आप देखिएगा, BGM, मजा आने वाला आपको। तो ये बॉलीवुड वाले कभी इन साउथ वालों से सीखते हैं, देखने वाली बात जरूर होगी, लेकिन आदिपुरुष की तुलना यहाँ पे हनुमान से जरूर होने वाली है, मतलब हनुमान जो मूवी आ रही है उसे जरूर होने वाली है। और ये फिल्म मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि जहाँ आदिपुरुष बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से इसका विरोध हुआ है, उनको अपनी रिलीज डेट भी मतलब तय अठानी पड़ी, पोस्टपोन करनी पड़ी, करीब 6 महीने आगे इसका दी गई है फिल्म को। अब देखते हैं वो कितना इसको चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से VFX को ठीक करते हैं, किस प्रकार से जो चरित्र है, जो हमारे भगवान है, उनके लुक को किस प्रकार से जनता के अनुरूप, जनता जिस लुक में उनको देखना चाहती है, जिस प्रकार की भव्यता उनके रूप में होनी चाहिए, चेंज कर पाते या नहीं कर पाते, वरना फिल्म का डिजास्टर होना तय है। लेकिन ये फिल्म जो हनुमान आ रही है, ये दोस्तों डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने वाली है, और हिंदी ऑडियंस भी इस फिल्म को हाथों हाथ लेने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म का टीजर नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टीजर कैसा लगा। फिलहाल इतना ही, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।